प्रिय पशुपालक, आज हम आपको HF होलस्टीन फ्रीजियन व जर्सी नस्ल की विशेषताओं के बारे में बताएंगे व देसी नस्ल की शाहीवाल, रेड सिंधी, गिर, हरियाणा, थारपारकर की प्रमुख नस्लों के बारे में बताएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो प्राप्त होती रहे। दूध की बढ़ती मांग से यह सिद्ध हो गया है कि डेयरी फार्मिंग आज के समय में एक सफल व्यवसाय है, जिसे गांव से लेकर शहरों में छोटे स्तर से बड़े स्तर पर व्यावसायिक रूप दिया जा रहा है। इसकी सफलता का मुख्य आधार उन्नत नस्ल के पशु का चयन है, जो देखरेख और खान पान के अनुरूप दूध उत्पादन करता हो। अगर आप नस्ल के चयन में अनदेखी करते हैं तो यह व्यवसाय आपके लिए जोखिम भरा भी हो सकता है, इसलिए आप उन्नत नस्ल के चयन पर अवश्य ध्यान दें। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि किन किन नस्लों से डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इस वीडियो में हम दो प्रमुख विदेशी नस्लों के बारे में जानेंगे जो भारत में खूब लोकप्रिय हैं। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय, यह है होल्स्टीन फ्रीजियन गाय, जिसे हम HF नाम से भी जानते हैं। यह दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। बड़ा शरीर, काले और सफेद रंग के मिश्रण वाली त्वचा इसकी प्रमुख पहचान है। एक मैच्योर होल्स्टीन गाय आमतौर पर 580 किलो यानी 1280 पाउंड वजन की होती है। यह खाती ज्यादा है और साथ ही दूध भी ज्यादा देती है। HF एक संवेदनशील गाय होती है। इसकी शुद्ध नस्ल अधिक तापमान सहन नहीं कर सकती, लेकिन इसकी क्रॉस ब्रीड नस्ल उच्च तापमान को सहन कर सकती है। एक HF गाय का एवरेज मिल्क प्रोडक्शन 15 से 40 लीटर प्रतिदिन होता है। इसके दूध में फैट की मात्रा सिर्फ 3.5% होती है। एक अच्छी HF गाय लगभग 40 से 60 हजार रुपए में मिलती है। इसका दाम दूध उत्पादन और उम्र पर निर्भर करता है। कॉमर्शियल डेयरी फार्मों के लिए इस गाय की सबसे ज्यादा मांग है। भारत में इस गाय की मिक्स्ड ब्रीड बहुत अधिक मात्रा में पाली जाती है। जर्सी गाय, जर्सी नस्ल की गाय भी कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यह इंग्लैंड में उत्पन्न मानी जाती है। भूरा तथा लाल रंग वाले मिश्रण की त्वचा, चौड़ा माथा, बड़ी आंखें आदि जर्सी गाय की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस गाय का वजन 400 से 500 किलोग्राम यानी 880 से 1100 पाउंड होता है। मध्यम आकार के शरीर वाली यह गाय भारत के अधिकांश क्लाइमेट में एडजस्ट हो जाती है। इस गाय की रोग प्रतिरोध क्षमता यानी डिजीज रेजिस्टेंस भी अच्छी होती है और यह HF नस्ल की तुलना में अधिक तापमान सहन कर लेती है। जर्सी गाय का एवरेज मिल्क प्रोडक्शन 15 से 25 लीटर प्रतिदिन होता है। इसके दूध में फैट की मात्रा HF गाय से अधिक यानी 4 से 5% होती है। जर्सी गाय को छोटी डेयरियों में अधिक पाला जाता है, क्योंकि HF गाय को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक जर्सी गाय लगभग 30 से 50 हजार रुपए में मिलती है। आमतौर पर HF और जर्सी गायों की शुद्ध नस्ल हमारे देश में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन हाँ, इसकी क्रॉस ब्रीड नस्लें यहां बहुत अधिक मात्रा में देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कौन कौन सी नस्लें अच्छी रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम साहिवाल, रेड सिंधी, हरियाणा, गिर और थारपारकर के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं भारतीय गायों की प्रजातियों के बारे में। साहिवाल गाय,
पंजाब और राजस्थान में पाई जाती हैं। ये गाय लाल और गहरे भूरे रंग की होती है। चमड़ी ढीली, छोटा सर व सींग इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका शरीर साधारणतः लंबा और मांसल होता है। इनकी टांगे छोटी होती हैं। स्वभाव कुछ आलसी तथा इसकी खाल चिकनी होती है। पूंछ पतली और छोटी होती है। नर साहिवाल के पीठ पर बड़ा कूबड़ होता है। नर गाय का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक होता है। ये गाय 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है। साथ ही इसके दूध में पर्याप्त वसा होता है। साहिवाल की खूबियों और उसके दूध की गुणवत्ता के चलते वैज्ञानिक इसे सबसे अच्छी देसी दुग्ध उत्पादक गाय मानते हैं। डेयरी किसानों को इसे पालने में बहुत फायदा होता है। रेड सिंधी मुख्यतः पंजाब और राजस्थान में पाई जाती है। इसका रंग लाल बादामी होता है। आकार में साहिवाल से मिलती जुलती होती है। ये दूसरी जलवायु में भी रह सकती है तथा इनमें रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। इसके सींग जड़ों के पास से काफी मोटे होते हैं। शरीर की तुलना में इसके कूबड़ बड़े आकार के होते हैं। इसमें रोगों से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। इसका वजन औसतन 350 किलोग्राम तक होता है। संतान उत्पत्ति के 300 दिनों के भीतर ये 200 लीटर दूध देती है। थारपारकर ये सफेद सिंधी कच्ची और थारी के नाम से जाने जाने वाली ये गाय सिंध प्रांत के थारपारकर जिले में पैदा होने वाली नस्ल है। ये दुग्ध और भार ढोने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ये दोहरी उद्देश्य नस्ल है। ये गायें दुधारू होती हैं और इनका रंग खाकी भूरा या सफेद होता है। इनकी खुराक कम होती है। गीर गुजरात में पाए जाने वाली दुधारू नस्ल की गाय है। इनका मूल स्थान काठियावाड़ का गीर जंगल है। इनका मस्तक उन्नतोदर होता है। कान लंबे और गले की ओर झुके रहते हैं। सींग खूंटीदार और बीच से मुड़े होते हैं। इनके पांव काले और बहुत सख्त होते हैं। त्वचा पर छोटे छोटे बाल होते हैं। ये काफी शांत स्वभाव की गाय है। गीर प्रतिदिन 50 से 80 लीटर दूध देती है। हरियाणा मुख्यतः हरियाणा में पाए जाने वाली ये गायों का रंग सफेद मोतिया या हल्का भूरा होता है। ये ऊंचे कद और गठीले बदन की होती है तथा सिर उठाकर चलती हैं। भारत की 5 सबसे श्रेष्ठ नस्लों में हरियाणवी नस्ल आती है। ये 8 से 12 लीटर दूध। आपका अपना चैनल पशु सेवा मधुबन मीनापुर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।